शांतनू अभी भी आए हैं बैटिंग करने के लिए, मात्र दो पे हैं विक्रांत। एक बार फिर उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कल स्टार रहे थे विक्रांत, जिस प्रकार की अब पारी खेली थी उन्होंने सेमीफाइनल में। विक्रांत है स्ट्राइक पर, पुल किया है, देखना है वहां पर फील होता है या नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा चूके थे डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर, लेकिन रोका एक ही रन केवल, बहुत अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया है, रघु के स्थान पे अब जो टीम ओनर है सचिन जोशी अब वो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पूरी टूर्नामेंट में बढ़िया कार्य किया, पर यहाँ पे फील्डर भी बढ़िया कार्य करते हुए जैसे आपने कहा बाद में अपने आप को संभाला और बड़ी चीज गेंद को अंदर धकेला। जब भी आप जो स्कर्टिंग है जो फेंस है उसके बहुत करीब रहते, कभी भी आसान रहता नहीं, अपना संतुलन बना के रखा। पहले जी एंड से आते हुए बाएं हाथ के अब स्लो गेंदबाज सचिन जोशी, पर एक का बड़ी छाप छोड़ी है इस टूर्नामेंट में उन्होंने, अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन में भी मैंने उन्हें देखा था खेलते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, शौकीन है। और ये मेरे ख्याल से एक नाजुक घड़ी है इस मैच की, आठ ओवर निकल गए हैं, 43 पर 2, यहाँ पर एक विकेट गिरती है तो चेन्नई राइनोज बहुत मुश्किल में आ सकती है, लेकिन यहाँ से अगर पार्टनरशिप बनती है तो फिर बैलेंस चेंज हो जाएगा। यह सचिन जोशी का आप जिक्र कर रहे थे कि आप बढ़िया एक खिलाड़ी हैं, हरफनमौला खिलाड़ी हैं, 6 विकेट भी ले चुके हैं, पर सबसे बड़ी बात है इस सीजन है आज बल्ले के साथ बहुत बढ़िया फॉर्म में रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टार्ट दिए हैं प्रिंस, कल भी प्रिंस की तरह ने बल्लेबाजी की, पर ये जोड़ी है सलामी जोड़ी है सचिन जोशी की और प्रिंस की, ये बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कुछ लेवल पे खेले हुए हैं सचिन जोशी। ये है देखिए बैटिंग एवरेज, क्या जबरदस्त आंकड़े हैं, 63 का एवरेज, ये बहुत अच्छा टर्न कर दिया है, देखना है कि रोक पाते हैं या नहीं, और मेसी की तरह फुटबॉल खेलते हुए वहां पर अच्छा सेव, 2 रन बचाए वहां पर। जी हाँ, अंत में अगर आप देखें तो पैर से जरूर रोका, बहुत बढ़िया पैडल किया था, बहुत लेट खेला और काफी फाइन गेंद गई थी अंत में, जैसे आज कह रहे थे जिया थोड़ा फुटबॉल खेली और कहने के गेंद को अंदर धकेला, पर काफी वक्त था 2 रन लेने का। बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ पे, इतना आसानी इसको धकेलना, अच्छी वेरिएशन ला रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, और लूप है उनके लेफ्ट आर्म स्पिन में, ये देखें बॉलिंग, ये बैटिंग एवरेज और वाइड गेंद लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ये है इनके आंकड़े, 63 है बैटिंग एवरेज और 15 से थोड़ा सा ही ज्यादा बॉलिंग एवरेज, 6 विकेट भी लिए है, 189 रन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। यह कमाल के ऑलराउंडर हैं और हमेशा उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, अंतिम गेंद पे 1 रन और आता हुआ, 9 ओवर की समाप्ति, 48 पे 2 चेन्नई रेनोस। माहौल यहाँ पर बनता हुआ, 48 पर 2 है स्कोर 8 ओवर के बाद, और गेंद फेंकेंगे विष्णु, माफ कीजिए सम्राट, वाइड से शुरुआत की इस ओवर की, यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है गेंदबाजों को, हालांकि 2 सफलता मिली है लेकिन एक पार्टनरशिप बनती है तो बिल्कुल तराजू दूसरी तरफ झुक सकता है। यार एक चीज अब जो हमने कल भी देखी थी, ये जो विकेट है बहुत बढ़िया है, मतलब इसमें उछाल है, अगर आप सेट हो जाएं तो रन ही रन है,
और विक्रांत अगर आप देखें, कई बार ऐसा लगता है थोड़ा से सिचुएशन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद एक बार सेट हो जाए, बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। और कल भी सेमीफाइनल में लगभग वही किया था, इस बार टाइमिंग सही बैठा नहीं। अच्छी फील्डिंग मिड विकेट क्षेत्र में, सचिन जोशी ने पांव लगाया और निश्चित तौर पे एक रन बचाया वहां पे। अभी अभी गेंदबाजी करके भी गए हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा एफर्ट। अगर सचिन जोशी बीट हो जाते थे, यही स्ट्रोक था और पैर से रोका उसे। ऑन द राइज कवर ड्राइव मारने की कोशिश, लेकिन चूके चेन्नई राइनोज। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और ये उठा दिया है बॉलर के सर के ऊपर से। देखना है बीट कर, बिल्कुल सीधा तीर की तरह गया है इसको। हालांकि लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, लेकिन किसी को कोई मौका नहीं। इसको कहते हैं सबसे सेफ एरिया पे शॉट खेलना, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला। देखिए किस प्रकार गेंद की लंबाई को बहुत जल्दी पिक किया, स्लॉट में गेंद थी पर बेहतरीन शॉट। ऐसी शॉट जब आप खेलते हैं बतौर एक बैट्समैन, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वही जानते हैं जो आप समर्थक हैं चेन्नई राइनोज के, उनके कप्तान जीवा भी बहुत खुश। पर क्या यहाँ पे नजारा है, क्या बढ़िया माहौल। ये अब अंतिम मुकाबला है, बड़ा फाइनल है, दोनों अब सबसे बढ़िया टीमें प्रवेश कर चुकी हैं फाइनल में। चिंताएं बढ़ती हुई दोनों खेमों में। जैसे आप कह रहे थे, ये जो चार पांच ओवर रहेंगे 10 से 15 के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये दर्शाएगा कितना स्कोर चेन्नई राइनोज खड़ा कर पाती है। स्क्वायर ड्राइव किया, लेकिन वहां पर कवर करने के लिए है, बाउंड्री रोकने के लिए फील्डर मौजूद। सिंगल के बाद 55 है स्कोर। ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ गई है, तमिलनाडु की भी और तेलुगु की भी। या कल भी अब ये देखने को मिला था, कल तो मुंबई हीरोज का मुकाबला था, कर्नाटका बुलडोजर्स भी हार गई अब सेमीफाइनल में, पर काफी बढ़िया उन्होंने भी संघर्ष किया। कल दोनों ही सेमीफाइनल बहुत दिलचस्प रहे, हालांकि मुंबई हीरोज ऐसा लग रहा था जो उनके पास बैटिंग लाइनअप है 20 या 30 रन ने कम बनाए, पर एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला। आज भी अगर आप देखें, लाल झंडे काफी नजर आ रहे हैं, लहर सी नजर आ रही है, पर कुछ ही देर में पता चलेगा अब ये संस्करण किसके नाम रहता है, क्या नया एक कोई चैंपियन मिलेगा। 10 ओवर की समाप्ति, 56 पे 2। छप्पन पर 2 10 ओवर के बाद। एक पार्टनरशिप यहां पर बनती हुई विक्रांत और शंतनु के बीच। विष्णु थे बल्लेबाज जो